बगायत और कोकापेट में लैंड दिए हैं। 3 साल हो गया जियो इश्यू करके, आज तक कोई भी संगठन को ज़मीन नहीं दिया गया है। आज और कल 2 दिन स्टेट मिनिस्टर सभी कैस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को बुलाए, हम ये मीटिंग में हैंडओवर करना, ज़मीना अलाट कर देना हर एक कैस्ट को, जो वादा किया गया उसके हिसाब से आज और कल में फैसला करके हैंडओवर करना। और 11 जो कॉरपोरेशन है वो कॉरपोरेशन को जो 2500 करोड़ एमबीसी कॉरपोरेशन, 250 करोड़ नाई ब्राह्मण कॉरपोरेशन और 250 करोड़ रजक कॉरपोरेशन और बाकी कॉरपोरेशन को भी फंड्स नहीं दिया गया है अब तक। असेंबली में बजट अलाट करके अभी भी 1 रुपये भी उनको मंजूरी नहीं दिया गया है, वो मंजूरी भी ये मीटिंग में क्लैरिटी देना मिनिस्टर। और जो दलित बंधु के हिसाब से बीसी बंधु बोल के जो हुजूराबाद में वायदा किया गया था वो भी, उसके ऊपर भी एक क्लैरिटी होना। और बीसी लोन्स तेलंगाना सरकार आने के बाद बीसी लोन्स पूरा बंद किया गया, एक भी बीसी को आज लोन नहीं है, जॉब्स नहीं है, पूरा बेरोजगारी है। हर एक बीसीओं को जो भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप देना चाहिए, मंजूरी देना चाहिए, ज़्यादा 3000 करोड़ के हिसाब से पेंडिंग है अभी। ये 5 इश्यू में पूरे क्लैरिटी से गवर्नमेंट आजकल जो भी मीटिंग हो रहा है उसमें क्लैरिटी देना, हर एक कैस्ट को ज़मीन देना, स्कॉलरशिप रिलीज़ करना, 11 कॉरपोरेशंस को फंड्स देना, बीसी बंद के बारे में क्लैरिटी देना, ये हर एक इश्यूज़ को ये मीटिंग में एड्रेस करना। नहीं तो एक गवर्नमेंट को हम झुका के बीसीओं को उनका हक दिलाएंगे।